नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देखने मेरे साथ उत्तराखंड आए। कोरोना वायरस से चीन में हुई मौतों के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। वही कोटद्वार में भी बेस चिकित्सालय ने कोरोना वायरस से मरीजों को बचाने के लिए 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया है, जिससे मरीजों से संबंधित उपकरण लगाए गए हैं और साथ ही 2 डॉक्टरों को कोरोना वायरस के मरीजों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी तक कोटद्वार में ऐसा कोई संदिग्ध मरीज नहीं मिले हैं। अगर ऐसा कोई केस आता है तो अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। तो ये बेसिकली क्या नाम है, बहादुर ब्रिज से ही फैला हुआ है आम तौर पर, लेकिन हमारे यहाँ जो है क्या नाम है, अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है। फिर भी हमने इसकी व्यवस्था के लिए अपने एहतियात के तौर पर वार्ड भी जो है एक आइसोलेशन वार्ड बना लिया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई यहाँ पे वायरस पाया नहीं गया है। अगर जो कोई मरीज आता तो उसके लिए मतलब उसका उपचार हो पाएगा? हाँ, उपचार के इसमें क्या नाम है, आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, जो संभव है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से दिया जाएगा। बाकी क्या नाम है, इसकी व्यवस्था इस तरह की, इसको वायरस की पहचान करने के लिए दिल्ली वगैरह में सैंपल भेजने की व्यवस्था है इसमें। वहीं देहरादून पर बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दून के पास होकर गुजर रही मेन फ्रंटल ट्रस्ट लंबे समय से शांत है, इसलिए जमीन के भीतर पनप रही ये ऊर्जा कभी बड़े भूकंप का रूप ले सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक होटल में आयोजित कार्यशाला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सोर्सिंग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरएस चटर्जी ने कहा कि देहरादून के पास से गुजरने वाली मेन फ्रंटल ट्रस्ट पर मोहंड और नाहन के पास 2 बड़े फॉल्ट हैं। लंबे समय से ये ट्रस्ट शांत है, जिससे जमीन के भीतर ऊर्जा एकत्र होने की संभावना है। ऐसे में इस क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका है। चटर्जी ने कहा कि नदी के आसपास के इलाके काफी कमजोर होते हैं, इसीलिए अगर भूकंप आया तो रिस्पना और बिंदाल के किनारे का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार गिरीश चंद्र जोशी ने कहा कि मसूरी के पास से गुजरने वाली मेन बाउंड्री ट्रस्ट में वैज्ञानिक 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप की आशंका जता रहे हैं। वही बेरीनाग में तहसील दिवस मनाया गया, जिसमें उप निबंधक कार्यालय में नहीं होने से हो रही परेशानी, आधार कार्ड नहीं बनने, नगर में जल निगम के द्वारा बिछाई जा रही लाइन मानकों के खिलाफ बिछाए जाने जैसे कई समस्याएं रखी गई हैं। प्रभारी तहसीलदार आरडी जोशी ने बताया कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए विभागों को भेजकर जल्द ही निवारण किया जाएगा। वहीं तहसील दिवस में नहीं आने वाले अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। तहसील दिवस में एक जनता की आशाओं को लेकर मैं आया था। सबसे पहले तो मेरा जल निगम से संबंध था। जल निगम ने जो स्टैंड पोस्ट बनाए हैं वो बिल्कुल गलत है, बीच रास्ते में बनाए हैं, उससे दुर्घटना होने का खतरा है। और दूसरा, मैंने एक उप निबंधन कार्यालय बेरीनाग में जो तहसील है हमारी, तहसील में उप निबंधन कार्यालय खुले, लोगों को 100-100 किलोमीटर दूर DDR जाना पड़ रहा है, तो बेरीनाग में उसको खोलने की व्यवस्था रखी। और साथ ही तीसरी मांग मैंने रखी है कि जो बेरीनाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पहले से ही तो कमी है, और अब 3 स्टाफ नर्सों को वहाँ से स्थानांतरित करने से जनता में आक्रोश व्यक्त है। इसमें हमारे पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आई और उन समस्याओं के निराकरण हेतु मतलब जो है संबंधित विभाग को कड़ी कार्रवाई हेतु इस तरह से निर्देश दिए जाएंगे, और कितना उनके द्वारा इनमें प्रकरणों में निस्तारण हुआ उसकी अगले तहसील दिवस पर पुनः फिर समीक्षा होगी। और बेरीनाग से हमारे संवाददाता प्रदीप मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आज बेरीनाग में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, तो इस बैठक में सबसे ज्यादा कौन सी समस्याएं सामने आई हैं लोगों की तरफ से, और उन समस्याओं का निस्तारण कितने दिनों में कर दिया जाएगा? जी, आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जो तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और वहीं कई फरियादी भी वहां पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा जो है बेरीनाग में उप निबंधन कार्यालय खोलने और यहाँ पर जल निगम की जो योजना है का काम चल रहा है उसमें कई अनियमितता बरती जाने और यहाँ पर से जो स्टाफ नर्सों को अन्यत्र संबंधित किया जा रहा है उसके खिलाफ भी लोगों में आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना था कि पहले से ही बेरीनाग हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, ऊपर से जो है यहाँ से जो है अन्यत्र यहाँ के स्टाफ को संबद्ध किया जा रहा है, जिस पर जो है लोगों ने रोष व्यक्त किया और कहना कि यदि यहाँ पर से जो है स्टाफ नर्सों को अन्यत्र संबद्ध किया गया तो स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सड़कों में उतरा जाएगा। वहीं आधार कार्ड
नहीं बनने को भी लेकर यहाँ पर लोगों में आक्रोश देख। जी प्रदीप जी, जो स्थानीय लोगों के साथ बैठक की गई तो स्थानीय लोगों की सबसे ज्यादा किस बात को लेकर समस्या थी और उस समस्या को कितने दिनों में निस्तारण कर दिया जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उनको कहा गया है? तो प्रदीप जी लगता है हमारी बात पूरी नहीं सुन पाए, लेकिन तमाम जानकारी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी लोमड़ी विश्राम गृह परिसर में क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह रावत और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने पूजा अर्चना करके स्नो कटर मशीन का शुभारंभ किया। मशीन को गंगोत्री में बाधित सड़क मार्गों को खुलवाने के लिए रवाना किया गया। विधायक रावत ने कहा कि आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जिला कई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा है। जिले में यह पहली स्नो ब्लोअर मशीन बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सड़कों को खोलने में उपयोगी साबित होगी। सीमांत जिला उत्तरकाशी में सुंदरवर्ती क्षेत्रों में बर्फबारी से सड़कें बाधित हो जाती हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्नो कटर मशीन आने से बर्फबारी इलाकों के लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तेजी से हमने सड़कें भी खुलवाई हैं, पर जो हमारी मेन जो आवश्यकता थी तो स्नो कटर की थी, जो हम पे नहीं था। आपदा मद से हमने 27 लाख रुपए की जो है आज ये मशीन यहाँ पर आई है और कल ये जो है अपने गंगोत्री तक ये जाएगी और जो है बर्फ बर्फ जो सड़कों में बर्फ़ है उसको जो है उसको काटते हुए आगे जाएगी, जिससे कि जो हमारे जो है बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब होती है या आपदा का कोई ख़तरा होता है कुछ होता है तो सड़कें जो है बाधित नहीं रहेंगी। उसके लिए जो मैं आज हमने जो इसका उद्घाटन भी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हम लोगों ने एक इस इक्विपमेंट को मंगवाया, क्योंकि हमारे जितनी भी वैलीज हैं, चाहे मोरी पुरोला की वैलीज हों या नौगांव की तरफ की वैली हो और भटवाड़ी की वैलीज, इन सारी जगहों पे स्नो कवर्ड एरियाज काफ़ी हैं या स्नो के कारण अफेक्टेड एरियाज का नंबर काफ़ी है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने मशीन मंगवाई है और 27 लाख रुपये के आसपास की मशीन है और मैं उम्मीद करता हूं कि रोड्स की ओपनिंग को लेके, कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने को लेके हम लोग बेहतर तरीके से काम करें। और उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता हेमकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमकांत जी, उत्तरकाशी में आज लोगों को जो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है उससे सड़कें भी बंद हो जाती हैं और अब उत्तरकाशी प्रशासन ने उन सड़कों को खुलवाने के लिए स्नो कटर मशीन उत्तरकाशी प्रशासन को दी है, तो इसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जनपद जो है आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ पर ये होती है कि बर्फबारी के कारण या लैंडस्लाइड के कारण जो है मार्ग जो है बाधित हो जाते हैं, चाहे लिंक मार्ग हो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर जो है एक स्नो कटर मशीन जो है यहाँ पर मंगाई गई। ये स्नो कटर मशीन जो है जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पर लगभग जो है 7-8 दिन तक जो है मार्ग बंद रहते हैं, क्योंकि बर्फ जो है हटाई नहीं जा सकती है जेसीबी से, जिसके कारण ये मशीन मंगाई गई है। तो ये काफी कारगर सिद्ध होगी जब बर्फबारी होती है, तो उस दृष्टि से जो है बर्फ को हटाने में ये जो है मार्ग को खोलने में जो है काफी कारगर सिद्ध होगी। इसी की दृष्टि से यहाँ पर जो है 27 लाख की लागत से जो है एक मशीन मंगाई गई है। पहली बार जनपद में ये मशीन आई है, तो जब इसको फॉल होगा तो उसमें ये जो है काफी जो है मदद करेगी। जी जी इमकान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेरीनाग के गंगोली हाट में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान विधायक मीना गंगोला ने लोनवी परिसर में अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सदस्य नंदन बाफिला ने हजेती काली विनायक और पुराना थल मोटर मार्ग की बदहाली का मामला रखा। विधायक ने थल उडियारी बैंड मार्ग में सड़क सुधारीकरण के नाम पर घटिया सामग्री का उपयोग और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। कहा है कि लंबित निर्माण कार्य करने के साथ ही नई सड़कों पर प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजा जाए, योजनाओं का ग्रामीण स्तर तक लाभ पहुंचे। और बहुत सारी शिकायतें थी सड़क संबंधी, पेयजल संबंधी और रेवन्यू विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तो उन पर गुणवत्ता से काम हो। जैसे सड़कों में है तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी शिकायतें हैं, तो उसमें काम रोक दिया गया है और जब तक जांच पूरी ना हो और गुणवत्ता पूर्वक काम हो, और ये मेरा प्रयास रहेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र तक सारी जनता को सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ मिले।
और ये जगह जगह हर न्याय पंचायतों में जनता दरबार भी लगेंगे। और हम गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों ऑल वेदर के तहत सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, ऐसे में यहां पर घटिया निर्माण कार्य और ठेकेदारों की मनमानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा से कंडी सौर तक कटिंग का कार्य प्रगति पर है, ऐसे में सड़क पर हर जगह मिट्टी ही मिट्टी फैली हुई है। किरगड़ी, डाबरी, रत्नोगाट, कमान, काडी सौर जैसी कई जगहें हैं जहां बरसात के दौरान मिट्टी पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिससे राहगीर, स्कूल जाने वाले बच्चे, पैदल चलने वाले ग्रामीण, मोटरसाइकिल, छोटे वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है। कई ऐसी जगह भी हैं जहां सड़क तालाब बन चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार मनमावे ढंग से सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आए दिन कई लोगों की गाड़ियां इन कीचड़ में भरी सड़कों में फिसल जाती हैं। साथ ही पैदल चलने वाले राहगीरों को कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। बरसात में ऑल वेदर रोड के तहत होने वाले निर्माण कार्य की पोल खोलकर रख दी है। आ रही है जो भी, जैसे दुपहिया वाहन वाले लोग जो छोटे बच्चों को लेके साथ में चलते हैं, वे लोग कई बार तो हमने लोगों को गिरते हुए भी देख लिया है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए प्रशासन को भी देखना चाहिए, शासन को भी देखना चाहिए, और जो भी कार्यदायी संस्था है या जो भी कंपनी काम करवा रही है उनको निर्देश देने चाहिए कि भाई ये यहाँ पे आप रोड को लगभग भाई काम चल रहा है तो ठीक है, काम चल रहा है, धूल मिट्टी होगी, लेकिन कम से कम रोड पे गड्ढे ना हो जिस वजह से लोगों को परेशानी ना हो। खासकर जो भी जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट का सबसे मुख्य कारण ये जितने भी रोड पे गड्ढे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है गड्ढे। और टिहरी से हमारे संवाददाता बलवंत रावत हमारे साथ जुड़ गए। बलवंत जी, टिहरी में जो ऑल वेदर रोड की तरफ से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां कम होने की बजाय अब बढ़ गई हैं। जी दरिंदर, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो टिहरी जिले में जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ऑल वेदर प्रोजेक्ट, जिसके तहत यहाँ पर ऋषिकेश से लेके कंडी सौर तक यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिससे खामियाजा यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, सबको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो निर्माणाधीन कंपनी है उसके द्वारा लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसको प्रशासन भी लगाम लगाने में नकारा साबित हो रहा है। जी दरिंदर जी, बलवंत जी, कहीं कहीं पर ये कार रोक भी दिया गया है, किन कारणों से ये कार रोक दिया गया है? जी मैं बता दूं, कहीं कहीं पर जो है यहाँ पर कहीं मलबा दबा है, कई जगह ग्रामीण उसका विरोध भी कर दिया है, कई जगह मलबा डंप किया जा रहा है, जिसके तहत कई बार काम बंद भी हो चुका है, लेकिन अभी भी जो प्रशासन है और जो इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी और बढ़ रही है धीरे धीरे। जी बलवंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव के पहले जनता दरबार में 19 फरियादियों ने अपनी फरियाद लगाई। डीएम के जनता दरबार में शिक्षा, पशुपालन और तहसील से संबंधित मामले सबसे ज्यादा सामने आए। जिलाधिकारी ने महीने के पहले सोमवार को जनता दरबार लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पहले जनता दरबार में शिकायतों का रिवीजन किया जाएगा, उसके बाद अगली शिकायतें सुनी जाएंगी। डीएम ने सभी शिकायतों को जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास करना है, जिसको लेकर पहले ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। हरिद्वार में जगजीतपुर क्षेत्र की अनदेखी से नाराज लोगों का गुस्सा विधायक आदेश चौहान पर फूटा। उन्होंने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। इस बीच विधायक समर्थक के साथ उनकी नोकझोंक भी हो गई। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जल निकासी के लिए नाली और कॉलोनी में सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। विधायक आदेश चौहान को फेज 3 कॉलोनी में एक नाली का शुभारंभ करने आने वाले थे। इसे देखते हुए सुबह से ही जगजीतपुर के राजा गार्डन फेज 1 और 2 के निवासी कार्यक्रम स्थल पर जुटने लगे। जैसे ही विधायक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों ने उन्हें रोककर नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुट गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पिछले 6 साल से उनके क्षेत्र में सड़क और नालियां बनाने का केवल भरोसा मिल रहा है, लेकिन भरा हुआ है और गंदगी के कारण बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली की आप सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारें जुमलेबाजी की सरकार हैं और धरातल पर दोनों ही सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर राजनीति की जा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता इससे आगे बढ़कर देखना चाहती है और जनता दोनों पार्टियों को विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को देख रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किया गया मैनिफेस्टो काफी अच्छा है और उसके जरिए बिजली के बिलों में भारी छूट दी जाएगी। वहीं 5,000 रुपए विधवा विकलांग पेंशन के साथ कुछ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय अच्छे वादे कर जनता को गुमराह करती है। भाजपा जो है बम्बार्डमेंट करती है, वो लोगों से वोट नहीं मांगती है, और मगर लोग अब आदि हो गए हैं। जैसे वियतनाम पर अमेरिका बम्बार्डमेंट करता था, अनंतोगत्वा जो है अमेरिका को हार खानी पड़ी, तो ये जो बम्बार्डमेंट पॉलिसी है भाजपा की, ये पॉलिसी भी जो है उल्टी पड़ेगी और उनको हार देखनी पड़ेगी। ये शंका वोटर के मन में भी है, हम जहाँ कहीं जा रहे हैं लोग कह रहे हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन मशीन जरा देख लीजिए। ये जो मशीन जरा देख लीजिए शब्द है, वो चिंता तो पैदा करता है। सीमांत जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में नगर पालिका द्वारा नगर आजीविका केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। इस स्वरोजगार केंद्र में धूप अगरबत्ती बनाना, पंचमेवा के पैकेट को तैयार करना, सिलाई प्रशिक्षण, स्वेटर बनाना और मशरूम उत्पादन है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वह इसको आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका गोपेश्वर के हर एक वार्ड में आजीविका प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जिसमें इच्छुक महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी और अपने स्वरोजगार को एक नया आयाम देंगी, जिससे कि महिलाओं की आमदनी के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी बात तो ये है जो महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन रही है, आत्मनिर्भर मतलब एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, और वो ऐसा है उसके लिए हमें कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम थोड़े अपने माध्यम से अपने स्तर से कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, और इसको इस छोटे से प्रयास को हम आगे बढ़ा करके आगे बड़े स्तर पर ले जा करके काफी कुछ बेनिफिट्स फायदे हम अपने को भी ले सकते हैं और लोगों को भी ले सकते हैं। ये महिलाओं के हित में काफी अच्छे हैं। आजकल की महिलाएं हर काम करने की इच्छुक है और अपने घर में ही अपने संस्था के द्वारा हर महिलाओं ने ये समूह बना रखा है। समूह के माध्यम से हर महिला ये चाहती है हम बुनाई करें और ये अगरबत्ती का काम करें और ये मशरूम की खेती करने का काम करें। ये सारे हमारे नगर पालिका के थ्रू से ये संस्थाएँ ये कार्य चलाया जा रहा है और महिलाओं के लिए अति बेहतर है। लाइव्यू सेंटर मतलब महिलाओं को, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, उन लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास गोपेश्वर नगर पालिका ने किया है, और ये उत्तराखंड में एक पहली नगर पालिका होगी जो सिटी लाइव्यू सेंटर का, जिसने आज उद्घाटन किया है। और वैसे तो ये सेटअप आज साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर हमने उत्तराखंड के जनपद चमोली के गोपेश्वर में शुरू करने का प्रयास किया है, और हम सारे गोपेश्वर नगर की वासियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग हमारा सहयोग करें और हम आपके लिए हर वार्ड में सेटअप शुरू करना चाह रहे हैं, हर वार्ड में आपको मशीनें उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, और आप लोग हमारे पास नगर पालिका में आएँ और हम आपका इसमें पूर्ण रूप से सहयोग। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गंगनगर पटरी पर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जाल जसपाल से असलहे के दाम पर कार और नकदी की लूट वारदात से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने दो आरोपी दबोचे हैं। कार लूट के बाद आरोपियों ने पंजाब लुधियाना में फाइनेंसर की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। आरोपियों पर पंजाब पुलिस ने 1,00,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। वह उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर पंजाब पुलिस ने भी बहादराबाद पुलिस से संपर्क साधा है। प्रेस वार्ता कर एसएसपी ने बताया है कि 19 जनवरी को गंग नहर पटरी पर हैंडपंप पर मुंह धो रहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जसपाल से बदमाशों ने असलहे के दम पर कार लूट ली थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दौलतपुर गांव में डीपीएस पुलिया पर चेकिंग के दौरान पंजाब नंबर की कार को रोक लिया। कार सवार दो युवकों की तलाशी ली गई और उनके कब्जे से दो पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुई है। ये जो है 19 जनवरी 2020 को जो है शाम लगभग 5:30 बजे जो है जो जटवाड़ा पुल से जो नहर का पटरी का रोड आता है उसमें जो है दो व्यक्तियों द्वारा बंदूक के बल पे जो है एक मारुति वैगनर घर का लूट के जाने का सूचना मिली थी। हमने जो है तत्काल मौके पे पहुंचे और जो है मुकदमा भी कायम हुआ है और हमारा थाने और एसओजी वगैरह मिलकर जो है इसमें कार्रवाई कर रहे थे
और इसका बाद जो है 23 तारीख को पंजाब का लुधियाना में एक मर्डर हुई थी, उसमें जो सस्पेक्टेड था कि एक वैगनार का गाड़ी जो है वो इस गाड़ी हो सकता है करके, फिर हम लोग उसका तस्दीक करके और सूचना संकलन में हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। तो फिर आज सुबह जो है हमारा मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक पंजाब नंबर का वैगनार गाड़ी जो है भगवानपुर का वर्ष से कलियर का रास्ते से आ रहा है। तो हमारा बादराबाद टीम उधर पहुँच कर चेकिंग करते वक्त जो है उस गाड़ी में 2 लोग थे, एक सुखविंदर उर्फ मोनी और सुमित उर्फ छोटी, 2 लोग थे। और इनका गाड़ी का कागजात चेक करने पे जो है गाड़ी का जो RC बुक है और गाड़ी का नंबर पे विरोध था, विरोध भाषा था, तो इन दोनों का मैं गिरफ्तार किया है। रिबांकी जिले से सटे नंगांव पिपोला समेत दर्जनों गांव के ग्रामीण अपनी आवाज बुलंद की है। इस दौरान ग्रामीणों ने सोहन सिंह राणा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में हल्ला बोला। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी विस्थापन की मांग रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अपनी मांगों को लेकर पुनर्वास निदेशालय और टिहरी जिला मुख्यालय में धरना दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।